नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरकरार, संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ के पार, अब तक 20 लाख से अधिक संक्रमितों ने गंवाई जान। भारत में पहले से धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमित, फिलहाल भारत में 2 लाख से अधिक एक्टिव केस। कोरोना की रोकथाम के लिए कल से देश में वैक्सीनेशन, पीएम मोदी करेंगे देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्यकर्मियों से करेंगे बातचीत। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू, बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक, 29 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का होगा संबोधन। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति करेंगे संबोधित, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा आम बजट, 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा चरण। सेना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों की वीरता को किया सलाम, देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को दी हार्दिक बधाई, कहा समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस थल सेना ने मनाया आर्मी डे, करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है सेना दिवस, ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी भारतीय सेना। सेना दिवस पर बोले सेना प्रमुख एमएम नरवणे, कहा सीमा पर पाक की साजिश नहीं चलेगी, घुसपैठ की कोशिश में 200 आतंकी मारे गए, राष्ट्र निर्माण में सेना का महत्वपूर्ण योगदान। दिल्ली में एलजी हाउस के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदर्शन में रहे शामिल। किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस का धरना, कांग्रेस की ओर से मनाया गया किसान आंदोलन दिवस, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित पायलट और कई मंत्री विधायक पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद। अमृतसर के अजनाला इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाक की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गोवा जा रहे पर्यटकों की मिनी बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 11 लोगों की मौके पर मौत, कई यात्री घायल। बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, कहा पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेगी चुनाव। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन न लेने वाले बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव, ओवैसी के गढ़ में भी खिला है कमल, यूपी में हम ही जीतेंगे। यूपी के आगरा में भी वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म, ताजनगरी में पहुंची वैक्सीन की खेप, शनिवार से शुरू होगा टीकाकरण। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश घायल, 6 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शामली में 3 तलाक का मामला आया सामने, दहेज नहीं देने पर पति ने दिया तलाक, पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। यूपी के अमेठी में रूनीचा टेक्सटाइल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, लंबे समय से वेतन मिलने का आरोप, प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। भरतपुर शराब दुकानते का मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में दिए कार्रवाई के आदेश, मामले में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया। शराब मामले की जांच करेंगे भरतपुर संभागीय आयुक्त, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे प्रदेश में टीकाकरण का शुभारंभ, कल सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा शुभारंभ। 16 जनवरी से होगा कोरोना का टीकाकरण, बूंदी पहुंची कोरोना की वैक्सीन, जिला अस्पताल सहित हिंडोली और तालेड़ा में होगा टीकाकरण। अलवर में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कलेक्टर अनुमल पहाड़िया ने दी जानकारी, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रदेश के 90 निकायों में होंगे चुनाव, 16 जनवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच, 19 जनवरी को नाम वापसी का दिन, 28 जनवरी को होगा मतदान। डूंगरपुर में निकाय चुनाव की हलचल तेज, टिकट वितरण में हेराफेरी की आशंका, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। मेड़ता सिटी में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज, फॉर्म भरने के अंतिम दिन आवेदकों की उमड़ी भीड़, दावेदारों ने पीठासीन अधिकारी के सामने पेश किए नामांकन। प्रतापगढ़ नगर परिषद में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़, मिनी सचिवालय में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही निर्दलीय दावेदारों ने भरे नामांकन, आरएलपी भी आजमा रही भाग्य।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का आसाम दौरा। भंवर जितेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। कहा, असम को बचाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा वाले दलों से ही गठबंधन किया जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 26 जनवरी से मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 26 जनवरी से होगी शुरू और साथ ही परिवारों को हर साल मिलेगा 5 लाख तक निःशुल्क इलाज। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें एडिशन का आगाज। शुरू हुआ फिल्मों की स्क्रीनिंग का सिलसिला। कोरोना गाइडलाइन के कारण ऑनलाइन हो रहा आयोजन। चूरू के तारानगर में सड़क हादसा तो गवास गांव के पास बस और ट्रोले की हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 11 लोग हुए घायल। जयपुर के कोटपूतली में दर्दनाक हादसा। निजी बस और लग्जरी कार में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 1 महिला की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बारा के शाहबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। झालावाड़ के डग में सड़क हादसा। बाइक फिसलने से घायल। फिलहाल घायल का इलाज जारी। जयपुर में कानोता पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्लाइंड मर्डर केस का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के पोखरण में पेड़ से झूलता मिला युवक का शव। जोधपुर सड़क मार्ग के पास मिला शव। मानसिक विक्षिप्त था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जैसलमेर के फलसुंड के सामने आया सनसनीखेज मामला। राजमथाई गांव में मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या। फार्म हाउस के मालिक पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या। पुराने रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सोजत में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। दिनेश नायक के रूप में हुई शव की शिनाख्त। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। झालावाड़ के बकानी में दर्दनाक हादसा। ट्यूबवेल में ब्लास्टिंग से युवक की मौत। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में सांगनेर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्या। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। जयपुर के चाकसू में चोरों का आतंक। बाइक शोरूम को बनाया निशाना। एक बाइक सहित अन्य सामान लेकर हुए फरार। नागौर के मेड़ता में गौशाला में आग लगने से मचा हड़कंप। पूरा चालक जलकर खाक। 75 लाख रुपए से अधिक का नुकसान। धौलपुर के सरमथुरा में फायरिंग। खुरदरिया गांव में कुछ युवकों ने किए हवाई फायर। बर्थडे पार्टी में किए हवाई फायर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा फायरिंग का वीडियो। बाड़मेर के शिव में आग का तांडव। गोंगा गांव की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। दुकानों में रखा सामान जलकर खाक। भरतपुर के कांवा में नगर पालिका की बैठक को लेकर विवाद। एजेंडे में शामिल हुआ एक प्रस्ताव का शुरू हुआ विरोध। हिंदूवादी संगठनों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। कोहरे के आगोश में लिपटा खाजूवाला शहर। रबी फसल को होगा कोहरे से फायदा। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सर्दी का सितम नहीं हो रहा कम। दौसा के सिकराय में भी सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे से फसलों को लाभ का अनुमान। अलवर के माजरे कला में सर्दी का सितम। बढ़ती सर्दी ने लोगों का जीवन किया अस्त व्यस्त। लोगों ने लिया अलाव का सहारा। भरतपुर के जनूथर में भी सर्दी के कारण घरों में दुबके लोग। कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया जनूथर। जनजीवन भी हुआ प्रभावित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।